तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं स्टीयरिंग व्हील फॉर पीसी, जिससे हम कर सकते हैं अपना गेम प्ले पूरा स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, तो कार्डबोर्ड से बनाने वाले हैं, तो बताते हैं। तो पहले आपको काट लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है इस टाइप का, और ऐसे मतलब स्टीयरिंग व्हील या प्लेट के आकार का, कुछ इतनी बड़ी प्लेट के आकार के ये साइज लेके काटना है इधर से, और एक और डिज़ाइन। ठीक है, मैं काटने के बाद ऐसे देखो, काटने के बाद उन दोनों को आपस में चिपका लेना है। ठीक है, और चिपकाने के बाद देखो ये कितनी मोटी लेयर हो चुकी है। अब देखो ये मोटी लेयर हो चुकी है, जिसको पकड़ में भी आएगा, ढंग से भी चलेगा। तो अब पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक ऐसे ये पट्ठा वट्ठा मिल जाता है ना, ऐसे कार्डबोर्ड का। तो उसके बाद आपको ये, ठीक है, तो ये मतलब कि आपको ये होल काट लेना है एक ऐसा। ठीक है, ये जैसे काटने के बाद ये इसको आपको इधर चिपकाना है। मैं चिपका ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, तो मैंने चिपका लिया, मैं प्रेस कर देता हूँ, देखो चिपक गया अभी। ठीक है, तो ये चिपकाने के बाद अब आपको एक और ऐसा डब्बा चाहिए होगा। ठीक है, एक मिनट, ये हटा लेता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। ठीक, तो पहले आपको ना एक ऐसा कोई भी अपना कुछ वाइट मतलब कि कोई पेपर ले लीजिए, उसे फोल्ड करके चिपका लीजिए अच्छे से। ठीक है, और उसे इस आकार का होल करके मतलब इसमें डाल देते हैं। और एक 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 और छोटा सा पेपर लेके मोड़ में कि उसे रोल करके इधर चिपका देना, जिससे देखिए इसके डाल देंगे। ठीक है, इसके डालने के बाद अब ये इधर विधर कहीं सरकेगा नहीं ना, इसलिए तो ये चिपका देना इसकी तरफ। ठीक है, ये चीज़ अब होल में डाल देते हैं हम। और ये हाँ, अब देखो हो चुका। अब उसके बाद चलते हैं अब तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है ये चीज़, अब इस पर हमें ये चिपकाना है ऐसे, चिपक जाएगा। हाँ, चिपक जाएगा। अब पहले मैं चिपकाने के बाद मिलता हूँ इस पर, ये देखो ऐसे। तो देखिए अब चिपक चुका है, देखिए अच्छे से। तो अब जो ऐसा डब्बा चाहिए ना आपको, अब डब्बे में होल कर लिया तो हो गई आपने। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, अब मैं इसकी भी बता दूँ प्रोसेसिंग। ठीक है, ये चीज़ अब जो ये स्टैंडिंग में चलेगा वो है एक सेंसर से चलेगा। सेंसर तुम्हें पता ही कौन सा, माउस का सेंसर। रुक जाओ, माउस का सेंसर। ठीक है, माउस, अब मैं माउस का सेंसर बताता हूँ, एक मिनट। तो देखिए अब मैं इसे पहले फिक्स कर लूँ, फिर मैं अपना कंप्यूटर में गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसे करो इसे। हाँ ठीक है, करने के बाद देखो अब ये पहली बात नीचे झुक रहा है, मतलब कि ये भारी है। इस पर कुछ भड़कम भड़कम चीज़ रख लेना, जो मैं रख लेता हूँ। ये मेरी एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, भारी है उससे। तो ये अब देखो, अब ये आराम से घूम रहा है, चल रहा है। देखो मैं गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा, वीडियो छोड़ के मजा आना। ठीक है, अब प्रोसेसिंग, ये देखो ये चीज़ दिख रही है माउस। अब इस माउस को तुम्हें बताएं ऐसे रखना है, इसके अंदर कुछ इस तरह थोड़ा। देखो ये देखो, सेंसर बिल्कुल इस पे होना चाहिए, इसके इस रोल पे। ठीक है, सेंसर के रोल पे होना चाहिए बस। उसके बाद ये मैंने इसलिए लगाया, देखो ये कार्डबोर्ड्स ये आगे पीछे, क्योंकि माउस इधर भी इधर सरके ना। ठीक है, और ये मैंने देखो तो एक अंदर की तरफ भी लगाया मैंने, या मैंने माउस को देखते लगाया मैंने अंदर की तरफ एक, क्योंकि ये माउस है ना ऐसे नीचे गिर जाता है, तो ऐसे मैंने अभी उठा रखा ऐसे। तो भाई तो इसे मैंने ये भी लगाया। तो अब बन चुका आपको, आप प्ले कर सकते हैं। प्ले करके दिखाता हूँ, कंप्यूटर अपना ऑन कर लेता हूँ। तो मिलते हैं कंप्यूटर ऑन करने के बाद। और स्टार्ट। तो देखिए अब देखो मैं इस पर थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर दूँ, जिससे पूरा हैंडल लगे। ठीक है, अब चलो मैं ड्रॉ करने के बाद मिलता हूँ, और फिर अभी गेम प्ले दिखाऊँगा। ठीक है, हाँ तो अब आ चुके हैं अपने गेम में। तो देखो अब स्टार्ट गेम, लोड गेम, एंड थोड़ा इस पर कर लेते हैं क्लिक। तो आ चुके हैं देखो हम अपने गेम में। मैं कहाँ हूँ, तो चलो आ चुके हैं अपने गेम में। तो अब इस गेम का नाम जानते होंगे, या तो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, GTA San Andreas। और ये मैंने अब देखो कितना सजा दिया, मस्त लग रहा होगा। ठीक है, अब पहले किसी गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए मुझे यार, टोइन वैन सी तो नहीं चाहिए मुझे, एक अच्छी गाड़ी। ये ऐसी सही लग रही है वैसे, वैन सी तो ठीक है। तो ये गाड़ी चाहिए, ये अंकल मानना मत, सॉरी आपकी गाड़ी मेरे उधार पे ले ले रहा हूँ। ठीक है,
अब देखो पहले मैं अब चला के दिखाऊंगा, ठीक है, स्टेरिंग व्हील में। अब ये देखो, तो अब ऑप्शन में जाना है, कंट्रोल सेटअप एंड माउस सेटिंग एंड इस चीज़ का आपको ऑन ऑफ हो गई ये चीज़, तो ये आपको ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना अपने गेम के अंदर। तो अब देखो, अब मैं ऐसे करूँगा माउस को नीचे करो, देखो माउस, देखो माउस ऊपर करिए थोड़ा इधर नीचे। अब देखिए, तो अब मैं इधर करूँगा माउस को तो इधर मुड़ेगा हैंड, देखिए इधर मुड़ेगा। अब मैं इधर करूँगा तो इधर मुड़ेगा मेरी टायर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं करूँगा, अब माउस की सेंसर की मदद से मैं खिलाना। तो अब देखो कैसे लगाना है माउस को, इधर आइए ऐसे, ठीक है, इस तरफ से ऐसे, एक मिनट। तो ये लगा दिया मैंने, ठीक है, देखो बिल्कुल से सेंसर टच होना चाहिए इससे, ठीक है। तो यार हो चुका है सेंसर टच, अब इसके ऊपर रख देता हूँ। अब चलते हैं ऊपर, करिए कैमरा मैन, ठीक है। तो अब देखो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये देखिए गाड़ी चल रही है, एक मिनट मैं थोड़ा और अच्छे से मतलब कि वो लगा लूँ। कभी भी हिल जाता है ना ये माउस, तो मतलब कि भाई दिक्कत होती है भाई चीज़ की, कि सेंसर हिल गया तो गाड़ी ना चलेगी ये। तो देखो मैं चलाता हूँ और मैं सेट गो, गाड़ी अभी ढंग से चल रही नहीं है, इस सेंसर की बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। ये गाड़ी से उतर के चला दे, मोटा गाड़ी से उतर जाता है बीच रास्ते में, गाड़ी करते आप चल जा। हाँ आप चल रही, देखिए ये देखिए, इधर मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है, ठीक है। ये देखो मैं इधर मुड़ा, देखो मुड़ी, अब देखो इस तरह स्टेयरिंग व्हील भी मोड़ूंगा, अब आराम से देखो, देखो अब चलने लग गई, ठीक है। वीडियो एक्सिप मत करना, मेरी एक्सिप हो गई। तो ये वीडियो पूरी में लगी है, मतलब कि आधे घंटे से भी ज़्यादा लगा मुझे बनाने में इस स्टेयरिंग व्हील को, ठीक है, आपके लिए। तो ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो होप आपको पसंद आए, तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कैमरा मैन आपने गाड़ी दिखाई, हाँ ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए, खत्म, बाय बाय, हैव अ नाइस डे मैन।